आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, द y एक्सिस एंड द गिवन लाइंस y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन मेनली क्या है, जो कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y है, x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर, इसका मतलब पैराबोलिक ग्राफ होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करते हैं। ठीक है, x में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक पैराबोला बनेगा। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक पैराबोला बनने का क्या मतलब हो गया, कि पैराबोला कुछ जो है इस तरह से होगा। ठीक है, ये पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा, एक तरफ फिगर हो गया ये इसका एक्स वाई एक्सिस के अबाउट। नाउ लाइंस कौन कौन सी थी हुई है, देखो पहली बात तो क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मतलब x की वैल्यू जो है पॉजिटिव वाली ही लेनी है, x को हम लोग को क्या लेना है, पॉजिटिव रीजन में केवल, निगेटिव x को कंसिडर नहीं करना है। दूसरी चीज, y इज इक्वल टू 2 एक लाइन है, तो देखो एक लाइन यहाँ पे पास कर रही होगी जो y इज इक्वल टू 2 की लाइन होगी। लेट अस अज्यूम कि ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू 2, ठीक है, इस लाइन पे y इज इक्वल टू 2 है। दूसरी लाइन क्या बोला, y इज इक्वल टू 4, तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू 4 ये एक लाइन हो गई, तो y इज इक्वल टू 4 ये ले लेते हैं। अब हम लोग को जो एरिया निकालना है वो इसी के बीच का निकालना है, तो इसके बीच का एरिया का मतलब क्या हो गया, कि ये कंप्लीट एरिया ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, जो ये एरिया बन रहा है इतना, यही हम लोग को फाइंड करना होगा। ठीक है, शेडेड जो एरिया दिख रहा है, अगर हम लोग थोड़ा सा नेमिंग भी कर दें इसकी, तो नेमिंग के हिसाब से क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, कि मान लीजिए ओ है, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया, तो हम लोग को एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड एरिया ए बी सी डी। लेट अस अज्यूम कि ये एरिया क्या है, ए है। ठीक है, तो ए एरिया हम लोगों को निकालना है, ए एरिया कैसे निकालेंगे समझना इसको। यहाँ पे हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब ये इस स्ट्रिप के बारे में ये इस तरह से हो गई, ठीक है, अब इस स्ट्रिप का एरिया, सॉरी विड्थ जो है, मान लेते हैं वाई एक्सिस पे डी वाई है, ठीक है, डी वाई विड्थ का स्ट्रिप है, और इसका हाइट क्या है, ठीक है, हाइट है एक्स। एरिया स्ट्रिप का क्या होगा, स्ट्रिप का एरिया तो अपना होगा एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई होगा स्ट्रिप का एरिया। बट अगर हम लोग को पूरा ए एरिया लेना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स डी वाई को, तो हम लोग को ए एरिया रिक्वायर्ड मिल जाएगा पूरे शेडेड रीजन का। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, देखो वाई कब से कब तक चेंज हो रहा है, वाई टू से फोर तक चेंज हो रहा है, तो लिमिट भी लगेगी कहाँ से कहाँ तक, टू से फोर तक की। अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, अगर एक्स स्क्वायर 12y है तो एक्स क्या होगा, पॉजिटिव ले रहे हैं केवल वैल्यू, तो पॉजिटिव में अंडर रूट 12y, ठीक है, अंडर रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√3, और ये हो गया रूट वाई फिर, ठीक है, तो 2√3 इंटू रूट वाई हो गया, तो ए की वैल्यू सिंपली आ गई 2 to 4 इंटीग्रेशन 2√3 इंटू रूट वाई डी वाई। नाउ 2√3 बींग अ कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले सकते हैं, तो 2√3 को जैसे ही हम लोग बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2√3 इंटीग्रल 2 to 4 रूट वाई डी वाई। नाउ रूट वाई का मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल दिख रहा है वाई पावर एन जैसा, तो कहीं पे भी मान लो लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ वाई पावर एन डी वाई, तो इसकी वैल्यू होती है वाई पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो ये कांस्टेंट जो है हट जाएगा, केवल हम लोग ये वाई पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लेंगे। तो वाई पे पावर यहाँ लगी कितनी है, देखो 1/2 पावर लगा है, तो 1/2 एन की वैल्यू हो गई, तो यहाँ फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा, 1/2 प्लस वन, इसका मतलब है 3/2, तो ये हो जाएगा फाइनल यहाँ पे 2√3 वाई पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, और लिमिट लगेगी 2 to 4। अब 3/2 भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ऊपर आकर के 2/3 बनेगा, तो 2√3 इंटू 2/3 हो गया ये, और वाई पावर 3/2 जो है, वाई पावर 3/2 में अगर लिमिट लगाओ तो 4 पावर 3/2 माइनस 2 पावर 3/2 यही होगा। ठीक है, फर्दर देखो इसको हम लोग और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लें, तो ये क्या आएगा, देखो 2 into 2 4 हो गया 4, और ये देखो √3 और ये कैंसिल करेंगे इसको तो 4/√3 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो √3 से भी √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये। नाउ 4 पावर 3/2, तो 4 पावर 1/2 तो 2 होता है, तो 2 का क्यूब
दैट मीन्स कि 8 आएगा ये माइनस, ये तो हो जाएगा क्या 2 पावर 3/2, मतलब कि 2√2। अब अगेन यहाँ से भी चाहे तो हम लोग ओवरऑल 2√2 बाहर ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2√2 बाहर लेते ही 8√2/√3, और ये 2√2 बाहर लेंगे तो ये आएगा यहाँ पे देखो 2√2 ही आएगा -1। तो ये अब स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा जो हम लोग को फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।